महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने महिला थाने का निरीक्षण किया। सोनिया अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन में मानसिक तनाव के चलते महिलाओं पर अत्याचार के पहले के मुकाबले बहुत अधिक मामले सामने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की कंप्लेंट्स में कोई कमी नहीं आई, बल्कि जब हमने ऑफिस का रिकॉर्ड चेक किया तो लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले काफ़ी बढ़ने में आए हैं, क्योंकि जो लोग बेरोजगार थे और उनको भी उस टाइम पे वैसे जो कुछ घंटे के लिए बाहर निकल जाते थे वो घरों में ही रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने घरों में उत्पीड़न महिलाओं को लेकर किया, तो लॉकडाउन के दौरान तो कंप्लेंट्स का बढ़ना रहा। लेकिन अब जो है जो कंप्लेंट्स थी उन पर पूरा काम हो रहा है और कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सोनिया अग्रवाल ने पुलिस कर्मियों को भी निर्देश दिए कि हर मामले की गहनता से तहकीकात की जाए, पीड़ित महिलाओं के साथ पूरा सहयोग बनाया जाए। सोनिया अग्रवाल ने बताया कि पानीपत से युवती की एक वकील के खिलाफ शिकायत मिलने पर उन्होंने थाने के सभी पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक की है और महिला थाने की SHO किरण को भी निर्देश दिए हैं कि मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए। वहीं महिला राज्य आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने शुक्रवार को सेक्टर 13 व 17 में स्थित महिला पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया और एक महिला केस की सुनवाई करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया। दोनों पार्टियों को बुलाया गया और स्वयं दोनों पक्षों की समस्या को भी सुना। दोनों तरफ के पक्षों की वार्तालाप सुनने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों को कुछ समय बाद फिर से सुनवाई के लिए बुलाने के निर्देश दिए। इसके बाद सोनिया अग्रवाल सखी वन स्टाफ सेंटर का दौरा करने पहुंची और वहां की स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन केसों को निपटाने के लिए महिला आयोग को भेजा जाता है। जो केस यहाँ सुलझते हैं उन्हें महिला थाने सेक्टर 13 व 17 में भेज दिया जाता है। इसके साथ सोनिया अग्रवाल ने पानीपत जिले में स्थित जेल का भी दौरा किया। सरकार जो है बहुत ही किसी भी काम पे कोई काम करती है तो उसके कहीं ना कहीं फायदे ही लेके चलती है। जब कोई पॉजिटिविटी उनको दिखती है तभी उस पर काम किया जाता है, सोचा जाता है, विचार किया जाता है और तभी उसको जो है फाइनल रूप दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ने के पक्ष में कोई भी सरकार हो कभी काम नहीं करेगी। महिला आयोग की तरफ से जो है महिला आयोग में मेंबर के पद पे होने की वजह से मैं एक छोटा सा मैसेज अपने पानीपत वासियों को देना चाहूँगी कि पानीपत में कोई भी बेटी किसी भी तरह से प्रताड़ित हो, चाहे वो अपने परिवार से हो, समाज से हो, या कई बेटियां पता लगता है पुलिस की भी कंप्लेंट हमारे पास कई बार आई रहती है, मेरा कहने का मतलब है ऑल इन ऑल कोई भी बेटी किसी भी तरह से अगर प्रताड़ित है तो वो आयोग से संपर्क कर सकती है, हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकती है, हमें डायरेक्ट भी संपर्क कर सकती है। तो मेरी जो SHO मैडम साथ में है आज, ये किरण जी, काफ़ी अच्छा इनका जो है यहाँ कार्यशैली मैंने देखी है, तो मेरा मैडम से भी अनुरोध रहेगा कि कोई भी बेटी अगर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित आती है, अगर आपके स्टाफ से भी अगर वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई है, तो एक महिला होने के नाते और एक SHO होने के नाते आपका भी फर्ज है कि उसको आयोग के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दें।